नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल यूनिवर्सल आर्किटेक्चर गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपना रेविट का जो फिफ्थ लेक्चर है वो शुरू करने जा रहे हैं। अब हम लोग आ गए अपने रेविट लेआउट पर। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना यूनिट चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेनू बार है हमारा, ठीक है, इसके अंदर मैनेज के अंदर मैनेज टैब में जाएंगे। मैनेज टैब में जाने के बाद में प्रोजेक्ट यूनिट पर क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट यूनिट पर क्लिक करके सबसे पहले लेंथ में जो दिया हुआ है फॉर्मेट यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, मीटर कर लेते हैं। और जो हमारा यूनिट सिंबल है वो हम एम कर लेते हैं। और हमारा जो राउंडिंग प्लेसेस हैं वो 0 डेसिमल प्लेस कर देते हैं, राइट, ओके। और अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाएंगे और अपना जो किसी भी एक एलिवेशन पे जाके हमारा एलिवेशन क्रिएट कर लेते हैं। एलिवेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्किटेक्चर टाइप के अंदर जाएंगे और राइट हैंड साइड पे ग्रिड के ऊपर हमारा जो लेवल ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि पिक लाइन पर क्लिक करेंगे और ऑफसेट में हम लोग क्या ऑप्शन बार के अंदर ऑफसेट के अंदर 4 मीटर हम लोग ऑफसेट डाल देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रशर को, जो हमारा क्रशर है उसको क्या करते हैं कि लेवल 2 पे लेके आते हैं। उससे क्या होता है, हमारा लेवल 3 जो है हाईलाइट होता है ऊपर की तरफ में। और जब हम लोग क्लिक करते हैं क्रशर के ऊपर, लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो हमारा क्या होता है लेवल 3 क्रिएट हो जाता है। इसी प्रकार के लेवल 3 के ऊपर जाके हम लोग क्रशर को रखते हैं तो लेवल 4 हमारा हाईलाइट होता है। और जब हम लोग क्रशर को क्लिक करते हैं तो लेवल 4 क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा लेवल क्रिएट हो गया। अब हम लोग कमांड से बाहर जाने के लिए मॉडिफाई टैब पर क्लिक करेंगे। मॉडिफाई टैब पर क्लिक कर लिया और अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हमारे फ्लोर प्लान 1 में जाएंगे, राइट। अब हम लोग फ्लोर प्लान 1 में आ गए हैं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हुए हो तो आप इससे पहले के सारे वीडियो देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है, बाकी मैंने सारे के सारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं शुरुआत से शुरू किया है और हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी इसमें। मैं बहुत साधारण तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपली। अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप सब लोग क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट कीजिए अपना जो भी डाउट है, और मैं आपको ज़रूर उस पर आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं आप लोगों के लिए मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, उस पर आप सभी लोगों को सारे के सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको वहाँ पे बता दूँगा, राइट। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग आर्किटेक्चर टैब में जाके वॉल पे आर्किटेक्चर वॉल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा स्प्लिट विद एलिमेंट कर लिया, ठीक है, स्प्लिट एलिमेंट कर लिया हमने। अब स्प्लिट एलिमेंट करने के बाद में क्या करते हैं हम लोग, कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है अनकनेक्टेड है, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ब्राउजर में देखते हैं जाके। तो बेस जो हमारा कंस्टेंट है वो क्या है, लेवल 1 है, बट जो टॉप कंस्टेंट है वो हमारा अनकनेक्टेड है, तो हम इसको लेवल 2 पे कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। लेवल 2 पे कनेक्ट कर लिया हमने। तो दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर जो है लेवल 1 से लेवल 2 के बीच में क्रिएट हो गया है। इसको देखने के लिए, ये लेवल 1 से लेवल 2 के बीच में क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है उसके अंदर एलिवेशन के अंदर जाके कोई भी एक एलिवेशन में चेक कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ एलिवेशन में चेक किया तो ये आया है, ईस्ट एलिवेशन में किया तो देखो, ठीक है। मैं नॉर्थ एलिवेशन में चेक करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नॉर्थ एलिवेशन में चेक करो, आप किसी भी एलिवेशन में जाके चेक कर सकते हो, जो भी आपको काम करना है वो आप कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों, अब वापस हम लोग फ्लोर प्लान 1 में आते हैं, और जो हमारा हमने क्रिएट कर लिया है स्ट्रक्चर, अब इस पर क्या करते हैं हम लोग, आर्किटेक्चर टाइप में जाते हैं, रूफ बाई फुटप्रिंट करते हैं। सबसे पहले लेवल 2 पे हमें रूफ क्रिएट करना है, ओके। और इसके लिए हमें ऑफसेट देना है 0.5 मीटर, राइट। हमारा जो ऑफसेट होगा रूफ का वो 0.5 मीटर होगा, और
हाँ स्प्लिट एलिमेंट कर लीजिए राइट। ये हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, रूफ हमारा जो है क्रिएट हो गया है। हमारा जो रूफ के अंदर हमने डिफाइन स्लोप किया हुआ है, अगर डिफाइन स्लोप को हम अनटिक कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि रूफ जो हमारा फ्लैट बन जाएगा, और डिफाइन स्लोप कर देते हैं, टिक कर देते हैं इसको, तो हमारा जो स्लोप है इसमें क्रिएट हो जाएगा 30 डिग्री पे राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। ओके कर दिया तो हमारा जो है स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया है, रूफ बाई फुटप्रिंट भी हमारा इस पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, 3D व्यू में जाके हम लोग देखेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से दिखेगा हमें राइट दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब हमें जैसे रूफ बाई फेशिया कर सकते हैं, तो हम इसमें नीचे की तरफ में इस वाले पोर्शन पे फेशिया डाल सकते हैं अपना राइट। और जैसे अभी आर्किटेक्चर टैब में हम लोग, ठीक है, इसके अंदर हम रूफ बाई फेशिया इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारा क्या है जो हमारा रूफ है इसके बॉटम एज पे हम लोग रूफ बाई फेशिया क्रिएट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, रूफ बाई फेशिया क्रिएट हो रहा है हमारा, ये फेशिया हमारा क्रिएट हो गया है, ये फेशिया हमारा क्रिएट हो गया है इस पर, इस वाले पोर्शन पे फेशिया क्रिएट हो गया है। रूफ बाई फेशिया हमारा राइट, ये हमारा फेशिया क्रिएट हो गया दोस्तों। और फेशिया के बाद में अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस पर हम लोग गटर क्रिएट कर देते हैं, जो भी हमारा स्ट्रक्चर बना है इसके अंदर गटर क्रिएट कर देते हैं। गटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूफ बाई गटर करना पड़ेगा हमें, रूफ बाई गटर किया हमने, रूफ बाई गटर किया, तो गटर हम कहाँ क्रिएट करते हैं, गटर जो हमारा है वो हम लोग हमारा जो रूफ है उसके बॉटम एज पे कर देते हैं राइट, रूफ के बॉटम एज पे कर देते हैं। ये हमारा रूफ का बॉटम एज है, इस पर हमने गटर क्रिएट किया है। तो देखिए दोस्तों, गटर असाइन हो रहा है इस पर, जो स्ट्रक्चर है गटर बन रहा है इसमें, बॉटम एज पे गटर बन रहा है। मैं आपको रियलिस्टिक में जाके आपको बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, सारी चीज़ें कैसे क्रिएट हो रही है। ये हमारा गटर क्रिएट हो गया दोस्तों, गटर क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मॉडिफाइड टैब में जाके कमांड से बाहर निकलता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे के मेनू में आता हूँ, नीचे के मेनू में आने के बाद में मैं क्यूब पे क्लिक करके रियल स्टिक में जाता हूँ। रियल स्टिक में जाने के बाद मैं देखता हूँ तो दोस्तों, ये हमारा जो हाईलाइट हो रहा है ये हमारा फेशिया है, ये जो हमारा हाईलाइट हो रहा है ये हमारा गटर है राइट। तो मैं फेशिया को क्या करता हूँ, एडिट कर लेता हूँ फेशिया पे क्लिक करके ओके। और फेशिया का जो दोस्तों हम लोगों ने प्रोफाइल लिया हुआ है, एक्चुअली इसमें क्या है कि अलग अलग पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इसमें हम लोग डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं हमारे हिसाब से, और बाकी जैसे दिया हुआ कि फेशिया हमारा ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है, हमें ये किसी भी एक फेशिया को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा जो 19x235 हम दिया हुआ है, हम 19x140mm, 184mm और 250x30mm भी हम चैनल जो सी चैनल है उसके टाइप का भी हम लोग फेशिया ले सकते हैं राइट। तो दोस्तों, ये हमारा अलग अलग टाइप का फेशिया अवेलेबल है हमें यहाँ पे, और जो यहाँ पे मटेरियल हम लोग अपने हिसाब से बाई कैटेगरी हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे आते हैं, जहाँ पे ये हमें डॉट 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 लाइन दिख रही है इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। हमारा जो मटेरियल है हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो येलो पार्किंग स्ट्रिप, एक काम करते हैं ऑक फ्लोरिंग को हम लोग सेलेक्ट करते हैं ओके ओके। अप्लाई किया हमने, ओके किया, अब हमारा जो मटेरियल है इस पर असाइन हो गया है, ये हमारा ऑक फ्लोरिंग हमारा जो हमारा फेशिया है उसके ऊपर मटेरियल असाइन हो गया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो गटर है गटर के ऊपर हम लोग को मटेरियल असाइन करना होता है। इसके लिए हम लोग एडिट पोर्शन में जाएंगे वापस से, और गटर के अंदर भी हम लोग अपने हिसाब से प्रोफाइल और इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको चूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें तीन प्रकार के गटर दिए गए हैं, एक सी चैनल टाइप का गटर है जो 250x30mm का दिया गया है, गटर बेवल है 125x125mm में, और गटर एक और बेवल है वो 150x150mm का दिया गया है।
अपने हिसाब से हम लोग रख सकते हैं इसको, और हम चाहे तो डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। अब मेटल में जाएंगे हम लोग, मेटल में जाने के बाद में हम वापस से राइट हैंड साइड पे जो तीन डॉट डॉट लाइन दिख रही है उनके ऊपर क्लिक करते हैं हमारा मेटल असाइन करने के लिए फॉर गटर। ओके, तो हमारा गटर के लिए हम मेटल असाइन करेंगे। मटेरियल असाइन करने के लिए डिफरेंट कलर हमें मेटल असाइन करना है, डिफरेंट कलर मटेरियल असाइन करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग चेरी को असाइन कर लेते हैं। चेरी को असाइन किया हमने, ये देखिए दोस्तों ये हमारा फेशिया शो हो रहा है और इसी के बाजू में ये हमारा गटर है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये हमारा गटर है, देखिए दोस्तों ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया पूरा। अब हम लोग क्या करते हैं कि वापस से फ्लोर प्लान लेवल वन में जाते हैं, और लेवल वन में जाने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, हमें मान लो रूफ बाई सोफिट करना है। रूफ बाई सोफिट करेंगे हम लोग, रूफ बाई सोफिट करेंगे, तो रूफ बाई सोफिट हमें कहाँ क्रिएट करना है, लेवल टू पे, राइट लेवल टू पे करेंगे। और हमारा जो ऑफसेट है एक्सटेंड टू वॉल, ऑफसेट हमें कितना देना है 1.5 मीटर। हाइट ऑफसेट भी देखेंगे हम लोग, हाइट ऑफसेट हमारा हम एलिवेशन में जाके देखेंगे दोस्तों। और जैसे अभी हमने 1.5 मीटर लिया है एलिवेशन हमारा जो ऑफसेट हमने, हम इसको एडिट कर लेते हैं। देख जाएंगे इसको एडिट कर लिया है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है इसको हमने एडिट कर लिया है। ये हमारा हम लोग सोफिट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो सोफिट है हमारा वो कितने एलिवेशन क्या है उसका, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे अभी, राइट। अभी हम लोग देख लेते हैं पहले क्या करते हैं, 3D एलिवेशन में जाते हैं, रियलिस्टिक में जाएंगे, थ्री डी एलिवेशन में जाने के बाद चेक करते हैं। तो ये हमारा देखिए दोस्तों, ये हमारा सोफिट क्रिएट हो गया है, जो सोफिट हमारा है वो क्रिएट हो गया है। रूफ बाई सोफिट हमने किया है, तो सोफिट का जो हमारा वैल्यू है, जो इसका थिकनेस है वो हमें 0.050, राइट, 300 mm नहीं चाहिए हमें, 50 mm चाहिए ओनली। ओके, हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है सोफिट, और अब हम लोग क्या करते हैं, सोफिट को सेलेक्ट करते हैं और नॉर्थ एलिवेशन पे जाते हैं। नॉर्थ एलिवेशन पे जाने के बाद में क्या करते हैं, सोफिट जो हमारा कितने डिस्टेंस पे है हमारे इससे लेवल वन से 400 मीटर पे, तो हम लोग क्या करते हैं इसको 3.7 मीटर पे ले लेते हैं। तो ये जस्ट बिलो दी क्या आ गया, जस्ट बिलो दी हमारा फेशिया के नीचे आ गया, ठीक है, फेशिया के नीचे आ गया बिल्कुल। तो अब हम लोग क्या है 3D एलिवेशन में जाके चेक करेंगे इसको, तो हमारा फेशिया के जस्ट नीचे क्या आया है, हमारा सोफिट क्रिएट हो गया है, सोफिट क्रिएट हुआ है फेशिया के जस्ट नीचे हुआ है, क्रिएट हुआ है।
और इस पे भी हम लोग अगर मेटल असाइन करना चाहें तो इसको असाइन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। 3D एलिवेशन में जाएंगे, 3D एलिवेशन में जाके इसको मेटल असाइन कर देंगे हम लोग। मेटल असाइन करने के लिए हम लोग मेटल बाई कैटेगरी करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें ब्रिक वॉल को असाइन कर देते हैं। अच्छा लगेगा, थोड़ा खूबसूरत लगेगा दिखने में। रूफ टाइलिंग है, रूफ टाइलिंग को क्लिक कर देते हैं। ओके ओके, अप्लाई किया, अप्लाई किया, ओके। ये हमारा मटेरियल असाइन हो गया इस पर। हमारा जो ये है सोफिट है, उस पर मटेरियल क्रिएट हो गया है। देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारी टाइल्स हैं, हमारा जो सोफिट है उस पर, ये हमारा गटर है, ये हमारा फेशिया है, और ये हमारी रूफ है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक हमने स्टडी कर लिया है रूफ बाई फेशिया बाई गटर बाई सोफिट। और अब दोस्तों ये हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फोर टाइप का रूफ है उसमें जाते हैं। उस वाले में हमारा जो आता है रूफ बाई एक्सट्रूशन। अब रूफ बाई एक्सट्रूशन में के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक नया शेप बना लेते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर वॉल बनाते हैं। इसको हम लोग लेवल 1 से लेवल 2 के बीच में सेंड कर लेते हैं। सेंड किया, इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हमारे किसी भी एक एलिवेशन पे चले जाते हैं। नॉर्थ एलिवेशन पे चले गए हम लोग, ठीक है। अब नॉर्थ एलिवेशन में जाने के बाद में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा क्या है, हमें रूफ बाई एक्सट्रूशन करना है। रूफ बाई एक्सट्रूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर क्लिक किया, पिक प्लेन किया, ओके कर दिया। और अब हमारा क्या होता है, जो वॉल का हमारा टॉप टॉप है उस पर क्लिक करते हैं। जो हमारा टॉप ऑफ वॉल है वो हमारा लेवल 2 पर है, तो हम लोग लेवल 2 पे क्लिक करते हैं। तो हमें बोलता है कि रूफ रेफरेंस लेवल एंड ऑफसेट, ठीक है। रेफरेंस लेवल क्या है हमारा रूफ का, लेवल 2 है, तो हमें लेवल 2 पे क्लिक करना है। और हम कुछ ऑफसेट देना चाहते हैं रूफ और रूफ को टॉप ऑफ वॉल से, तो हमारा इसमें दे सकते हैं। हमने कोई ऑफसेट नहीं देना है, इसलिए हम लोग 0 0 रखते हैं। ओके, लेवल 2 पे हमारा रेफरेंस लेवल रहेगा, ओके कर देते हैं। राइट, अब हम वॉल क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने वॉल क्रिएट करना है, तो अब मैं एक वॉल क्रिएट करता हूँ आर्क लेके। ये हमारा वॉल, जैसे हमारा ये हमारा रूफ क्रिएट किया हम लोगों ने, ये हमारा रूफ क्रिएट हो गया। अब हम इसको ओके कर देते हैं। ओके किया, ओके करने के बाद में क्या करते हैं, ये वाला रूफ, ओके राइट, ये हमारा रूफ हो गया। अब हम इसको 3D व्यू में जाके देख लेते हैं। ये हमारा रूफ क्रिएट हो गया दोस्तों, ये देखिए अभी जो हमने रूफ बाई एक्सट्रूशन क्रिएट किया है, ये वाला क्रिएट हो गया। अब क्या है कि इसमें ये गैप दिख रहे हैं हमें, इन गैप को क्या करना है, हमें फिल करना है। रूफ के बॉटम, जो बॉटम ऑफ रूफ है उस पर अटैच करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल को सिलेक्ट करते हैं हमारी को, और इधर देखिए मॉडिफाई टूल के अंदर ही हमें दिख रहा है अटैच टॉप बेस और डी अटैच टॉप बेस। तो हम अटैच टॉप बेस पर क्लिक करते हैं, वॉल को सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस पे क्लिक किया। अब हम लोग क्या करते हैं, रूफ के ऊपर हमारे पे क्लिक करते हैं, तो टॉप और बेस है वो अटैच हो गए हैं। ये वाला अटैच नहीं हुआ है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग अटैच कर लेते हैं इसको भी। अटैच करना है, इसमें कोई रीजन होगा, क्या कारण है इसका। अटैच किया,
अटैच नहीं हो रहा है, सो रोहन हम लोग क्या करते हैं, इसी से भी अटैच कर सकते हैं हम लोग, उसमें कोई इशू नहीं है। एरो एक्सटेंड करके और को एक्सटेंड करके हमने अटैच कर लिया, या फिर हम लोग ये काम कर सकते हैं, ऐसे अटैच कर दिया हमने, उसमें कोई इशू नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा जो वॉल है, ये क्या हो रहा है एक्चुअली, हमारा जो रूफ है वो थोड़ा इधर प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं होने के कारण हमारा इसको एडिट करते हैं। एडिट प्रोफाइल किया हमने, एडिट प्रोफाइल किया तो थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, राइट। अब हमारा जो वॉल है वो अटैच हो जाएगा इस पर। अब देखिए दोस्तों, वापस हम लोग 3D व्यू में जाते हैं। 3D व्यू में जाने के बाद में देखते हैं तो हमारा पूरा अटैच दिखता है, राइट दोस्तों। तो अटैच हो गया है, पहले हमारा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, ओके। तो ये हमारा हो गया रूफ बाय एक्सट्रूशन, राइट। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये जो हमने एक मॉडल बनाया है इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लुकिंग, अच्छा दिखने लगेगा ये थोड़ा। तो इसको क्या करते हैं, फ्लोर प्लान वन में जाते हैं हम लोग, और थोड़ा डोर वगैरह विंडो वगैरह इस पर डाल देते हैं, एक डोर डाल देते हैं, असाइन कर देते हैं। डोर असाइन करने के लिए हम लोग लॉर्ड फैमिली में जाएंगे, लॉर्ड फैमिली में जाके हम लोग एक कोई भी एक डोर को यहाँ पे असाइन कर लेते हैं, ठीक है। डोर लोड करेंगे, लोड करने के लिए हम लोग इस वाले में नहीं, ठीक है, इस वाले में ये वाला डोर हम लोग डाल देते हैं इस पर, ये वाला डोर हमने यहाँ पे फिट कर दिया, इंस्टॉल किया है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ विंडो इंस्टॉल करना है हमें, तो विंडो भी हम लोग ले लेते हैं फैमिली से, लोड कर लेते हैं, राइट। विंडो को हमने इंस्टॉल कर लिया, ओके कर लिया। अब हमारा विंडो इंस्टॉल हो चुका है, और जो हमारा विंडो का जो विड्थ और डेप्थ है, विड्थ और हाइट जो है, हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं 1.2, और हाइट है हमारा वो भी 1.2 रहेगा इसमें, उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, राइट। ये हमारा विंडो, ये हमारा विंडो इंस्टॉल हो गया इसके अंदर, ये हमारा विंडो इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। अब थोड़ा ये गुड लुकिंग हो गया है पूरा स्ट्रक्चर जो है, अब हम इसको 3D व्यू में जाके देखते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। हेलोन में जाएंगे, इनसाइड ओपनिंग कर दिया है इसको, राइट। तो अब हमारा स्ट्रक्चर को देखिए दोस्तों, ये थोड़ा खूबसूरत लग रहा है, और इसमें गटर वगैरह, सोफिट, फेशिया, रूफ और सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की हैं, विंडो भी डाली है, अब थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो ये हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया है। अब हम जो नेक्स्ट हैं, अब थोड़ा कुछ और मॉडल्स बना देते हैं रूफ़ के अंदर, रूफ बाई फुटप्रिंट के अंदर दोस्तों कुछ और मॉडल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्रिएट करने हैं। इसके लिए ये मैंने एक आर्किटेक्चर वॉल क्रिएशन किया है, ठीक है। इसके अंदर अब मैं इसको
प्रॉपर्टीज़ में जाके लेवल वन लेवल टू के बीच में वॉल को क्रिएट कर लेता हूँ। वॉल क्रिएट करने के बाद में अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब मैं वापस से आपका रो बाई फुटप्रिंट में आता हूँ। मेरे को कहाँ रो क्रिएट करना है, लेवल टू पे क्रिएट करना है। अच्छा ओके, अब मैं क्या करता है एक मीटर का ऑफसेट दे देता हूँ। एक मीटर का ऑफसेट दे दिया है मैंने, ओके ये वन मीटर ऑफसेट दे दिया है मैंने दोस्तों। अच्छा तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आप मतलब जैसे मेरा इस साइड पे 30 डिग्री एंगल है राइट, और मैं इन तीनों साइड पे क्या करता हूँ डिफाइन स्लोप जो है उसको अनटिक कर देता हूँ राइट। अब देखिए दोस्तों मेरा एक अलग ही टाइप का रूफ बन गया है, इसको मैंने ओके किया है और थ्री में जाके चेक करते हैं तो ये हमारा रूफ जो है किस टाइप का दिखता है। देखिए देखिए दोस्तों, ये हमारा एक अलग ही टाइप का रूफ हमें दिख रहा है राइट। इसको क्या करना है हमें, जैसे इस वाले रूफ को वॉल को रूफ से अटैच करना है तो अटैच करते हैं। अटैच करने के लिए ये अटैच कर दिया हमने, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का दिखेगा राइट। ये हमारा एक अलग ही टाइप का मॉडल है रूफ का, ठीक है। ये रूफ बाई फुटप्रिंट के अंदर है। अब क्या आएंगे, जैसे हमें वापस से हमें टूरिस्ट स्टेज में जाना है, अभी हमने क्या किया था इसके अंदर 30 डिग्री एंगल है, इन सबको अनटिक किया होता, वापस टिक कर लेते हैं। टिक किया, अब हमें जैसे एक नेक्स्ट अलग एक किस्म का बनाना है, नया रूप बनाना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का जो एंगल है वो ज़ीरो कर देते हैं, मतलब इसको डिफाइन की जगह पे अनडिफाइन कर देते हैं, बाकी इसको टिक कर देते हैं। वापस 3D व्यू में जाके देखते हैं तो हमारा ये अलग ही टाइप का रूफ हो गया, और ये देखिए दोस्तों ये एक टाइप का रूफ हो गया है। इसमें क्या करते हैं हम लोगों को वापस जैसे वॉल को जो हमारा वॉल है इसको रूफ से अटैच करना है तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें अटैच करना पड़ेगा और रूफ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों हमारा जो वॉल है रूफ से अटैच हो गया है राइट। और वापस हम लोग फ्लोर प्लान वन में आते हैं। फ्लोर प्लान वन में आने के बाद में दोस्तों वापस से हम लोग काम करते हैं कि हमारा जो ये दोनों स्ट्रक्चर हैं इस पर हमने स्लोप को अनडिफाइंड किया हुआ था, अब डिफाइंड कर देते हैं। डिफाइंड करने के बाद में क्या होता है कि हम क्लिक करते हैं देखते हैं 3D व्यू में जाके तो हमारा जो रूफ है वो एक अलग किस्म का रूफ हो गया है, इसमें चारों तरफ से स्लोप है, ठीक है। और ऐसे करके हम लोग अलग अलग किस्म का रूफ बना सकते हैं दोस्तों। इस वाले ट्यूटोरियल में इतना ही, और बाकी और भी कुछ रूफ के बारे में और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है दोस्तों, वो हम आगे जैसे जैसे हम लोग कोई नया कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स रूफ हैं, उसको हम लोग बाद में स्टडी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और अगर इसमें मेरे को कोई चेंज करने हैं, कोई चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप मेरे को बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।